गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति मुझे बड़े अच्छे से याद है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें औद्योगिक को दो तीन प्रकार से लिखा था, चार प्रकार से, सही शब्द तो ये है औद्योगिक, है ये क्वेश्चन पूछ लिया था। औद्योगिक हिंदी शायद संविदा शाला शिक्षक वाला पेपर होगा तो उसमें हिंदी के भी 15 क्वेश्चन आते थे, 50 में से 15 क्वेश्चन हिंदी के आते थे, तो उसमें ये औद्योगिक लिखने के लिए बोला था कि सही वर्तनी पहचान। गलती क्या करते हैं, जो ध्य बना हुआ है उसमें भी डबल वाली मात्रा लगा देते हैं, औ की मात्रा लगा देते हैं और गलती हो जाती है। तो औद्योगिक नीतियों की बात करना है, औद्योगिक नीति। सबको पता है कि अर्थव्यवस्था के तीन सेक्टर है, तीन क्षेत्र है, मुख्य रूप से तीन क्षेत्र है। नहीं पता होगा कुछ लोगों को, जैसे कविता मैडम आपको पता है और नहीं पता है आपको, दिनेश कुमार अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र हैं, नहीं पता ना? आपको पता है कौन सा? विकासशील, हाँ विकसित। देखो उसको बहुत गुस्सा है तुम्हारे ऊपर, मेरे पोस्ट ऑफिस में होता था इसको नौकरी से बाहर निकाल देती है, अभी ये बोल रही है वो मन ही मन में। हाँ क्या बोल रहे हैं सर, ने जो बोला वो नहीं। हाँ तो बताओ ना क्या है सर, हमको भी नहीं पता, नहीं है। अच्छा वो नहीं है, आपको भी नहीं पता, एम लता को पता है, आपको भी नहीं पता। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, बहुत बार बताया होगा मैंने, बेसिक क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पढ़ते थे, ये तो हमें पढ़ना ही होता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र है, प्राथमिक प्राइमरी सेक्टर जिसे कहते हैं, द्वितीयक और तृतीयक, फिर एक अलग विभाजन में चतुर्थक भी आएगा और पंचम क्षेत्र भी आएगा। पहले हम ये तीनों को देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, जो प्रकृति ने जो हमें दिया हुआ है उसे एज इट इज जैसा का वैसे ही उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जैसे पानी में क्या पाया जाता है, मछली, मछली पकड़ा और निकल दिया, तो क्या है ये प्राथमिक क्षेत्र, मतलब हमने कुछ किया क्या उसमें, नहीं। जैसे वन उसको काटा, लकड़ी बेच दी, फर्नीचर बना दिया, ये कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। उसी प्रकार खेती, कृषि, कृषि हम मतलब जमीन हमने बनाई क्या, नहीं, और इसके ऊपर बीज डाले, जो उगा काटा खाया पिया बराबर, तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। खनिज, खनिज चाहे खनन हो या उत्खनन हो, खनन मतलब सीधा खनन कर रहे हैं हम, जैसे खनिज पदार्थ निकल रहे हैं सोना चांदी हीरा, ये खनन कहलाता है। और उत्खनन क्या होता है, वर्टिकल पृथ्वी की ऊपरी सतह को खोदते जा रहे हैं, जैसे पत्थर वगैरह निकालते हैं ऊपर के ऊपर, रेत वगैरह उठाते हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, उत्खनन। तो इस तरीके की जितनी गतिविधियां है वो कायम रहती है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। क्या क्या है प्राथमिक क्षेत्र में, सरल सा क्वेश्चन बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है, और उसमें दिया रहता है कृषि, वन, वनों पर आधारित उद्योग और मत्स्य पालन। उद्योग नहीं है क्या, उद्योग नहीं है, कृषि पर आधारित, सॉरी वनों पर आधारित उद्योग, क्लियर हो गया। वन प्राथमिक क्षेत्र में, लेकिन वनों पर आधारित उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं है, जैसे प्लाईवुड उद्योग वो प्राथमिक क्षेत्र में होगा क्या, नहीं। क्लियर हो गया ना प्राथमिक क्षेत्र। सेकेंडरी में द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उससे उसकी प्रोसेसिंग करना, उससे नया कुछ बना, वो सब क्या काम में आएगा द्वितीय क्षेत्र। जैसे कृषि से हमें कपास प्राप्त हुआ और कपास से क्या कपड़ा उद्योग चल रहा है, कपास से क्या कपड़ा उद्योग, तो ये कौन सा क्षेत्र हुआ, द्वितीय क्षेत्र, ये द्वितीय क्षेत्र हुआ। उसी प्रकार
अयस्क हमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ और उससे हमने इस्पात बना लिया, तो इस्पात वाला जो उद्योग होगा लो इस्पात उद्योग वो काय में आएगा द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। तो जितने भी प्रकार के उद्योग निर्माण विनिर्माण सब तरीके के उद्योग जो है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उद्योग दो प्रकार के होते हैं, कल ही बताया था मैंने, परसों के दिन बताया हुआ, निर्माण और विनिर्माण। निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन, जहां पर ऐसी वस्तुएं बनती है जो सालों साल तक चलती है, जैसे मशीनें वगैरह बन रही हैं। और विनिर्माण मतलब मैन्युफैक्चर, वहां ऐसी वस्तुएं बनती है जो ज्यादा लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती, उसका उपयोग होते जाता है, खत्म होते जाती, नई वस्तुएं बनते जाती, तो ऐसे उद्योगों को क्या कहेंगे? विनिर्माण। अब तृतीय क्षेत्र वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है? ये कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये किताब मैंने बनाई क्या? नहीं। इसमें जो लिखा है कोई मैंने पानीपत का युद्ध लड़ा क्या जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं? नहीं, कुछ नहीं करता, बस इसकी टोपी उसके सर। यहां जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनको यहां पहुंचाएगा, यहां जो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उनको यहां पहुंचाएगा, या इन दोनों क्षेत्रों को मदद करेगा प्रचार प्रसार में, बात बताने में, टेक्नोलॉजी में। वो क्या है? तृतीयक क्षेत्र। किसी चीज का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करता है। जैसे इंजीनियर, इंजीनियर की जो सेवा होगी वो तृतीय क्षेत्र में आएगी, ठीक है, क्योंकि काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वो सिर्फ आइडिया देते हैं। डॉक्टर दवाई तो नहीं बनाता, दवाई नहीं बनाता, वो सिर्फ दवाई बताता है कि ये दवाई ले। उसी प्रकार परिवहन, परिवहन कृषि से, कृषि क्षेत्र से कपास प्राप्त हुआ और ट्रक से उसे कहां पहुंचाया? उद्योगों में। ये क्या हुआ? तृतीय क्षेत्र। उद्योगों में कपड़ा बना तो उद्योग में काम करने वाले मजदूरी नहीं खरीदेंगे उसे, उसे पूरे किसान लोग खरीदेंगे, तो वापस बनी बनाई चीजें कहां पहुंच गई? प्राथमिक क्षेत्र की। तो ये जो काम किया जाता है ये सब क्या है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। क्या क्या आएगा तृतीय क्षेत्र में? आवागमन पता है, परिवहन, चिकित्सा सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं, इंजीनियर की सेवाएं, वकील, ये सारी प्रकार की सेवाएं कहलाती है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, बीमा, बैंकिंग, ये सब काय के अंतर्गत आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। क्लियर हो गए? अब बात करते हैं हम चतुर्थक क्षेत्र की। चतुर्थक क्षेत्र की, तो चतुर्थक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो तृतीय क्षेत्र के से थोड़ा सा सुपीरियर होता है, उनके लिए भी वो ज्ञानवर्धक बात है। भाई किताब लिखते हैं, हर इंजीनियर किताब थोड़ा लिखता है, वो जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बता देता है। तो ये जो चीजें उनके लिए जो गाइडलाइन प्रदान करते हैं वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। और पंचक क्षेत्र में क्या है? वही जो शोध करता है, प्रोफेसर, शोधकर्ता, ये सब काय के अंतर्गत आएंगे? पंचक क्षेत्र के अंतर्गत। बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत, काय के अंतर्गत? बुद्धिजीवी। एक बार फिर से बोल, तो शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा का नाम है नहीं आपका, शर्मा नाम किसी और का है जो खूब चिल्लाता है, और आप फालतू से बिना नाम के शर्माते रहते हो, जोर से बोला था। क्लियर हो गया? अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय। अब हम उद्योग, औद्योगिक नीति पढ़ने वाले, तो ये किस क्षेत्र के लिए है? द्वितीय क्षेत्र के लिए, द्वितीयक क्षेत्र के लिए। अब स्वामित्व के आधार पर भी देखें तो उद्योग कई प्रकार के देखने को मिलते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग क्या होता है? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक। जब इसमें नियम बनाने की शक्ति किसके पास में होगी, खरीदी बिक्री की शक्ति किसके पास में होगी? चलो उद्योगों के प्रकार वगैरह हमारा टॉपिक नहीं है, हम औद्योगिक नीति पढ़ेंगे। तो औद्योगिक नीतियां देश में
औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास की कार्य योजना, कार्य योजना प्रस्तुत करती हैं क्योंकि क्योंकि औद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास, औद्योगीकरण तथा औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास का सूचक तथा इंजन माना जाता है, इंजन माना जाता है। औद्योगिक विकास, सॉरी उद्योग, उद्योग विकास को गति व दिशा प्रदान करते हैं, गति व दिशा प्रदान करते हैं, साथ ही आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है। एक शब्द ये भी है, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा क्या होता है नीलू मैडम, बताइए आधारभूत ढांचा। हाँ, और थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, आप अकेले आए, अच्छा इनके साथ में, चलिए और कोई बताएगा औद्योगिक ढांचा आधारभूत ढांचा, मुझे पता है किसको पता है, मैं उससे नहीं पूछूंगा, नहीं आधारभूत ढांचा में समझ उसी की मूलभूत जैसे स्वास्थ्य के लिए अस्पताल होंगे। हाँ सर, मतलब आधारभूत ढांचा वो होता है जो उद्योग पे ही निर्भर हो, मतलब वो उसके लिए बेस हो जाता है, उद्योगों पर निर्भर ना हो, उद्योग जिसके ऊपर निर्भर निर्भर जिसके ऊपर उद्योग निर्भर, आधारभूत ढांचा, ढांचा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मान के चलो कि मुझे कारखाना लगाना है, या छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुझे कोचिंग खोलना है, कोचिंग खोलना है, ठीक है, तो मैं मेरे गांव में 7.5 एकड़ जमीन है, गांव से बढ़िया 3-4 किलोमीटर दूर है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वहाँ खोल लो कोचिंग, आपने तो हाँ बोल जाओगे पढ़ने, वहाँ पे जाओगे पढ़ने, बिजली कहाँ से लाऊंगा मैं वहाँ पे, बच्चे कहाँ से लाऊंगा, ढेर सारे हैं। वे उद्योग खोलने के लिए कुछ चीज़ों की, बेसिक चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो बेसिक चीज़ें कहलाती है आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा। जैसे बिजली, बिना बिजली के कोई उद्योग काम कर सकता है क्या, नहीं। बैंकिंग सुविधाएं होना चाहिए, मजदूरों को यदि पेमेंट मिले तो कहाँ जमा करेगा, पेमेंट निकालना है तो कहाँ जाएगा, बैंक होना चाहिए इस पर। सड़क परिवहन की सुविधा, दूर संचार की सुविधा, पल पल पे मैसेज देखना होता है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है आधारभूत। तो उद्योगों के कारण ही आधारभूत ढांचा मजबूत होता है, नहीं तो पहले नदियां होती थी, नदियां ऐसे लहराती थी, है ना, तो एक गांव नदी के इस साइड होता था, एक गांव नदी के उस साइड होता था, है ना, लेकिन 4-4, 6-6 महीने जो है इधर का आदमी उधर, उधर का आदमी इधर नहीं जा सकता, 4-4, 6-6 महीने जब तक बारिश होती रहती थी, फिर नदी एकदम खाली हो जाती थी, तो फिर देखते थे कि अब उस साइड जाए या नहीं जाए, ऐसा होता था। लेकिन आधारभूत ढांचा, पुलिया वगैरह
सड़क पुल या आधारभूत ढांचा है, अब हम इधर से उधर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो यदि उद्योग नहीं होते तो आधारभूत ढांचा नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकते। तो बिना मतलब बिना उद्योगों के ये हो ही नहीं सकता। जैसे आप बैतूल में देखो, आप जब आप मतलब समझ आई होगी, 6 साल 7 साल के रहे होंगे, तो फिर कितनी दिक्कतें होती रही होगी इधर से उधर जाने में। ये ओवर ब्रिज नहीं था, ये लटके हुए, ट्रेन आ रही है, एक आ रही है, दूसरी आ रही है, देखते जा रहे हैं, तो फिर नीचे निकलने की कोशिश में दुर्घटनाएं होते जा रही। तो ये इससे यदि कोई लोडिंग वाहन तो नहीं जा सकता था वहाँ से, दिक्कत हो जाती थी। अब क्या किया, पूरा बाईपास कर दिया, पूरे उधर बाहर से पूरे ट्रक वगैरह निकल जाते। तो ये आधारभूत ढांचा है, क्लियर हो गया। आधारभूत ढांचा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आधारभूत ढांचा। अब आधारभूत ढांचा या आधारभूत अधोसंरचना जिसे कह सकते हैं, ठीक है, आधारभूत अधोसंरचना। अब आधारभूत ढांचे के साथ में एक और शब्द समझते हैं, आधारभूत अधोसंरचना। अधोसंरचना मतलब वही होता है बेसिक नीड्स जो है उद्योगों के लिए क्या चाहिए। अब उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं आधारभूत अधोसंरचना को। एक होता है सामाजिक अधोसंरचना और दूसरा होता है आर्थिक अधोसंरचना। अब सामाजिक अधोसंरचना क्या है अमरजीत? सामाजिक अधोसंरचना समाज के लिए जो चीजें जरूरी है, समाज के लिए जो चीजें जरूरी है, जैसे जैसे क्या जरूरी है सर? वो कच्चे माल से जो वस्तु बनाएंगे जी, मतलब जो वहाँ पे कारखाने में जो बेरखनी होना समझ कर क्या होता है। मुझे बड़ी उम्मीद थी लेकिन क्या आप सही जवाब दोगे? अब किसी से कुछ बोल ही नहीं सकता मैं, किसी से कुछ नहीं बोल सकता। आप बोलेंगे क्या कुछ? अस्पताल। अस्पताल आप भाई, समाज की वो विशेषताएं जो उद्योगों के लिए आवश्यक है वो सामाजिक अधोसंरचना। जैसे शिक्षित समाज, शिक्षा होना बहुत जरूरी, जैसे इन्होंने बोला अस्पताल होना बहुत जरूरी है, लोगों में जागरूकता होना बहुत जरूरी है, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें काय के अंतर्गत आएगी? सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत आएगी। नहीं तो उद्योगों का विकास होगा क्या? नहीं। यदि कोई बोले कि ये जो खेत है मेरे माता पिता की अमानत है और मैं इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ खेती ही कर, ठीक, चाहे तो उसके ऊपर प्लॉटिंग करवा सकता था, कमर्शियल पर्पस से कुछ भी उसका उपयोग कर सकता था, लेकिन नहीं मुझे खेती ही करना है, तो फिर ऐसे लोगों का विकास होगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए उसके अंदर वो जागरूकता होना चाहिए, वो टेक्निकल माइंड होना चाहिए, वो सोच उसके हाईफाई होना चाहिए कि मैं इससे ऐसा भी कर सकता हूँ। तो वो सब सामाजिक अधोसंरचना के अंतर्गत आते हैं। और आर्थिक अधोसंरचना में अभी जो बताया मैंने, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सड़क, बिजली, दूरसंचार, बैंकिंग, बीमा, ये सब काय के अंतर्गत आएगा? आधारभूत संरचना। अब सामाजिक संरचना में देखो तो एक प्रशिक्षित मजदूर भी चाहिए सामाजिक अधोसंरचना। मजदूर नहीं, कैसे मजदूर चाहिए? प्रशिक्षित मजदूर चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, एक को ढूंढो तो 1 लाख आ जाते हैं, लेकिन जिसकी हमें जरूरत है उसको विदेशों से मंगाना पड़ता है। वो जो विशेषज्ञ होता है वो हमारे देश का नहीं होता, वो कहाँ का आता है? विदेश का आता है। ये दिक्कत है ना, ये हमारे सामाजिक अधोसंरचना क्या हो गई वहां पर? फेल हो गई। तो उद्योगों के विकास के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है, तो उसमें अधोसंरचना का विकास जरूरी है, उसमें सामाजिक भी चाहिए और आर्थिक भी चाहिए। अब ये जो चीजें हमने पढ़ी, और भी उद्योगों का और भी महत्व यदि हम देखें तो एक तो इससे मूल्यवर्धन होता है, उद्योगों से मूल्यवर्धन लिखेंगे ये बात, एक तरफ से ऐसे पैराग्राफ टाइप लिख रहे हैं हम, मूल्यवर्धन। ये भी पारिभाषिक शब्दावली है, मूल्यवर्धन। पहले जीडीपी बोलते थे, अब जीवीए बोलते हैं,
तो जब हम इसके राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे तब इन सारे शब्दों को पढ़ेंगे कि जीडीपी और जीबीए में क्या अंतर है, सब पढ़ेंगे। तो मूल्यवर्धन, अब जैसे कपास, जैसे कृषि, कृषि से क्या बना? कपास। कपास से धागा, धागे से क्या बना? कपड़ा बन गया। धागे से क्या बन गया? कपड़ा। और कपड़े, कपड़ा से क्या बना? कपड़े, सिले सिलाए वस्त्र, ये बने। तो कीमत बढ़ती जाती है, ये मूल्यवर्धन, ये क्या कहलाता है? मूल्यवर्धन। यदि उद्योग नहीं होते तो जो वस्तु जितने की रहती वो उतने की ही बनी रहती, उसकी कीमतों में वृद्धि होती है। बिजनेस होता है, कितने लोग इस रोजगार में लगे हुए हैं, कि भाई एक ही वस्तु है लेकिन उसी का रूप बदलते जाते हैं और कई लोगों को रोजगार मिलते जाता है। तो ये एक तो मूल्यवर्धन इससे होता है। दूसरा, कृषि क्षेत्र के श्रमाधिक्य तथा उत्पाद आधिक्य का उद्योगों में कच्चे माल के लिए उपयोग। अब श्रमाधिक्य क्या होता है? श्रमाधिक्य, विक्रमादित्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्रमाधिक्य की बात कर रहा हूं। क्या चीज है श्रमाधिक्य? मजदूर अधिक संख्या। जो कृषि में आवश्यकता से अधिक मजदूर है हमारे, यही तो एक दिक्कत है। भारत का जो विकास हुआ है अनबैलेंस्ड हुआ है। अनबैलेंस्ड कैसा? ये जो सर्कल बनता है इसका, प्राथमिक क्षेत्र के बाद द्वितीय क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र के बाद तृतीय क्षेत्र का विकास होना चाहिए। लेकिन जैसे देश आजाद हुआ हमने विकास करना शुरू किया और सीधा प्राथमिक क्षेत्र से कहाँ जंप कर लिया हम? तृतीय क्षेत्र में। हम सीधा कृषि करते हैं और सोचते बड़ी नौकरी लग जाए। हम कृषक हैं और हमारे बेटे डायरेक्ट क्या बन जाए? बड़ी नौकरी पे एकदम वैज्ञानिक और ये वो बन जाए। जो बीच वाला जो काम है वो कोई सपना देखता मजबूरी में करता है, वो कोई सोचता नहीं है कि मैं कारपेंटर बनूंगा या ये बनूंगा। कारपेंटर भी चाहता है कि मेरा बेटा IAS ही बने। तो हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि वो जो कार्य है उसको बहुत छोटा समझा जाने लगता है और सीधा प्राथमिक क्षेत्र से व्हाइट कॉलर जॉब तृतीय क्षेत्र में चले गए। जबकि नियम क्या होता है? पहले प्राथमिक क्षेत्र का विकास हो, जो हमारे संसाधन है हमारे देश में पहले उनका विकास हो, फिर उसके आधार पर उद्योगों का विकास हो। प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर जैसे कृषि पर आधारित उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग, खनिजों पर आधारित उद्योग, इन सारे उद्योगों का विकास हो और उसके बाद में उन वस्तुओं का क्या करेगा? तृतीय क्षेत्र में इस्तेमाल करें, उनका व्यापार करें, लाने ले आने की सुविधा, ये होना चाहिए नियम से। लेकिन हमने क्या किया? प्राथमिक क्षेत्र तो है हमारे पास में लेकिन सीधा तृतीय क्षेत्र। कपड़ा, लंदन का कपड़ा पीटर इंग्लैंड, वो लाके हम यहाँ पर बेचना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ द्वितीय क्षेत्र के तहत उसे बनाया नहीं, क्या किया? तृतीय क्षेत्र का डेवलप हुआ हमारे यहाँ। विदेशों की वस्तुएं आई और उसका ही व्यापार करना हमने शुरू कर दिया। तो उससे हमारे देश का विकास हुआ अनबैलेंस्ड, बोलते हैं, मतलब जो सर्किल में विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो श्रमाधिक्य है, भाई रोजगार का मुख्य साधन हमारे यहाँ कृषि है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रही है, जमीन जितनी की उतनी, तो भी मजदूरों की संख्या, अतिरिक्त मजदूरों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो इन मजदूरों को हम कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं? उद्योगों में कर सकते हैं, तो ये बताएं। उसी प्रकार कच्चा माल, कृषि में हमारे यहाँ निर्वाह कृषि थी पहले। निर्वाह कृषि कई बार समझाया होगा मैंने, निर्वाह कृषि मतलब हम बिजनेस के रूप में कृषि नहीं करते, व्यावसायिक कृषि नहीं करते। हम 2 एकड़ खेत है तो उसमें आधे एकड़ में गेहूं बो देंगे, आधे में चना बो देंगे, धनिया भी बो देंगे, लहसुन प्याज सब लगा देंगे ताकि हमारी आवश्यकता की चीजें हमारे पूरी हो जाए। जबकि जो वाणिज्यिक कृषि होती है, व्यावसायिक कृषि होती है, उसमें क्या करते हैं? कपास बो दिया,
उसको बेच दिया और फिर उससे गेहूँ भी खरीद लिया, चना भी खरीद लिया, धनिया भी खरीद लिया, प्याज लहसुन जो जो खरीदना था खरीद लिया। हमारे यहाँ लोगों की प्रकृति कैसी है, निर्वाह कृषि करने। लेकिन इसके बावजूद यदि उत्पादन हो जाता है ज़्यादा, मक्का का ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो अब क्या करें? यदि उद्योग नहीं होते तो बैलों को जानवरों को खिला देते या खराब हो जाते। लेकिन उद्योगों में हम उसका प्रोसेसिंग करके नई नई चीज़ें हम बना सकते हैं, तो इसके लिए भी उद्योगों का विकास होना बहुत जरूरी है। कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रम को ऑब्जर्व करने के लिए और कृषि उत्पाद जो आवश्यकता से अधिक है उसका उद्योगों में उपयोग करने के लिए भी उद्योग अति आवश्यक है। एक और देखें तो अर्थव्यवस्था में, अगला मैं तो बता रहा हूं, अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन में सहायक होना, रोजगार सृजन में सहायक होना। रोजगार सृजन मतलब अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करना। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी नहीं सोचा होगा, आलू देखा है आपने? मैं आलू से सोना बनाने वाली बात नहीं कर रहा, आलू से चिप्स बनाने की बात कर रहा हूँ। आलू से चिप्स नहीं तो सोचेंगे कि सर भी आ गए अब लाइन पे एकदम, है ना? ऐसा नहीं है, आलू से चिप्स बनाने की बात कर रहा हूँ। कभी किसी ने सोचा होगा क्या आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, कि एक आलू जो 50 पैसे का है उससे 20 रुपये हम बना सकते हैं घर में? नहीं सोचा होगा। और ऐसी चीज हम बना रहे जो घर में है, अब उसे घर घर पहुंचा देंगे, दुकान दुकान पहुंचा देंगे। किसी भी दुकान में जाए तो सबसे पहले दुकान वाला नहीं आलू से बना हुआ चिप्स दिखे, ऐसा लटका देता है जैसे सामने बाल लटका है, वो उसने ऐसे हटा के देता है सामान, वो इतनी सारी ऐसे लाइन से लगी रहती है। किसी ने सोचा होगा कि ये इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है करके? लेकिन ये उद्योग है, ये उद्योग है। टेक्निकल माइंड किसी ने लगाया कि ऐसा कर देते हैं और हम फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से पैसा कमाते हैं। तो रोजगार के अतिरिक्त अवसर, चीज़ वही है, आलू तो नहीं बदला उसमें, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग की उद्योगों का रूप दे दिया तो एक नई चीज़ हमारे सामने आ गई। बच्चे को हम आलू दो तो छूता नहीं है, लेकिन चिप्स चाहिए उसको, ये हो जाता है। तो रोजगार का अतिरिक्त सृजन करना। लास्ट में लिखेंगे निर्यात संवर्धन में भूमिका अदा करना, निर्यात संवर्धन में भूमिका अदा करना। अब निर्यात संवर्धन, देखो व्यापार के दो पक्ष होते हैं, हेमलता को पता है, वो बताएगी नहीं, लेकिन आयात और निर्यात बता दिया आपने तो बिना पूछे ही बता दिया। देखो ये होता है कॉन्फिडेंस, है ना, आयात और निर्यात। अब पहले अपन ने देखा कि WTO की स्थापना क्यों की, क्योंकि व्यापार का एक पक्षीय विकास हुआ था, कुछ देश सिर्फ निर्यात करते थे और कुछ देश सिर्फ आयात ही करते थे। भारत जो आयातक देशों में ही था, लेकिन औद्योगिक नीति के माध्यम से क्या हुआ कि अब हम ऐसी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं, उद्योगों में नई वस्तुएं बनाते हैं और उसका निर्यात कर सकते हैं। कृषि पदार्थों का ज्यादा निर्यात नहीं होता क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है कि सब जगह पर अब कृषि कार्य होने लग गए। जैसे अरब देश हैं, पहले वहां से पेट्रोल का निर्यात ही करते थे और सारी चीजें मंगाते थे। राजस्थान जैसा रेगिस्तानी क्षेत्र अब हरा भरा हो गया तो वहां पर भी कृषि कार्य होने लग गया है। तो भाई हम कृषि पदार्थों के भरोसे कब तक जीवित रह सकते हैं कि भाई इनका निर्यात करेंगे और आय प्राप्त करेंगे? अब संभव ही नहीं है। अब सब्सिडी वगैरह भी WTO ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि कृषि पदार्थों के ऊपर आप ब्लू बॉक्स सब्सिडी दे सकते हो, लेकिन अंबर बॉक्स और ईयरो सब्सिडी नहीं दे सकते, लिमिट निर्धारित कर दी उसकी। तो भाई हम निर्यात किन चीज़ों का करें? तो औद्योगिक वस्तु का निर्यात करें, भाई नए तरीके से बनाओ और लोगों को दो। भाई टीवी तो वो भी बेच रहा है, आप अपना टीवी बताओ उनको कि उससे बेहतर है, साथ में उससे कीमत कम है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप किसी से बिकेगी। तो और ये संभव फायदे हैं औद्योगिक विकास से, नहीं तो फिर हम व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुलन, प्रतिकूल भुगतान संतुलन, इसके कारण कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं।
तो ये कुछ उद्योगों का महत्व एकदम शॉर्ट में लिखा है हमने, यदि आ जाएगा औद्योगिक विकास क्यों जरूरी है, उद्योग उद्योग आधारभूत ढांचे का विकास किस तरीके से करते हैं, तो ये सारी बातें हम लिखेंगे। अब भारत में औद्योगिक विकास की बात करें, भारत में औद्योगिक विकास, भारत में औद्योगिक विकास, देखो जब ब्रिटिश, हम भारत में उद्योगों की बात करें तो जैसे लोह स्तंभ, कहां पर लोह स्तंभ, चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली में है, चंद्रगुप्त का दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में, मैंने दिखाया था इनको ऑनलाइन, मुझे यकीन नहीं हुआ किताब में, तो मैंने सोचा जाके देख लिया जाएगा, पहली बार गया तो मन नहीं भरा तो दूसरी बार भी चला गया। तो ये गुप्त काल की बात है, तब भी मतलब लोहे से इस्पात बनाने की प्रक्रिया हमारी यहाँ हो रही थी, मतलब उद्योगों का विकास तो प्राचीन काल से हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखते हैं ईंटें बन रही थी वहां पे, अभी से अलग अलग डिजाइन की बनती थी, अभी तो एक ही तरह की बनती है, उस समय वक्राकार ईंटें, गोल ईंटें, सब तरीके की बनती थी, जैसे अब ये जॉइंट बन रहा है तो यहाँ पर जो है ना एल आकार की ईंटें बनाती थी, अब हम एक ऐसी ईंट लगाते हैं एक ऐसी, उसका टूटने का डर रहता है, दीवार पड़ जाती है इधर उधर की उधर इधर की इधर, लेकिन वो कैसे एल आकार की ईंटें बना देते थे ताकि वो वहां से कभी अलग ही नहीं हो सकते। भाई टेक्नोलॉजी तो भारत में पहले से थी, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें, वैदिक सभ्यता में रावण की कहानी पढ़ते हैं ना, पुष्पक विमान से आते थे, ये विकास की तो बात हो रही कि उस समय टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी कुछ थी हमारे देश में, लेकिन जो विधिवत विकास हुआ है वो स्वतंत्रता के बाद, मैंने एक काल छोड़ दिया वहां पे, कौन सा मुगल काल बता दिया, सब कुछ सब में विकास हुआ, अंग्रेजों के समय में औद्योगिक विकास भारत में नहीं, उसका कारण क्या है कविता बताएंगे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि भारत का औद्योगिक विकास हो, क्योंकि उद्योग उनके पास में है, उनको क्या चाहिए कच्चा माल, कच्चा माल, तो यहां से कच्चा माल लेके जाते थे, और फिर दूसरे क्या चीज चाहिए उनको, मार्केट, बाजार चाहिए, बाजार किसे कहते हैं, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान, वस्तुओं का आदान प्रदान मुफ्त में, नो पैसे से, पैसे पैसे से, हाँ तो बाजार किसे कहते हैं, वस्तुओं क्रय जैसे कोठी बाजार, बैतुल बाजार, बैल बाजार, गधा बाजार होता तो आपको लेके चल जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जैसे बाजार का आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में संपर्क में होते, उस संपूर्ण क्षेत्र से, बाजार का आशय उस स्थान से नहीं होता, समझ लो अच्छे से, बाजार का आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां पर किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाले और बेचने वाले आपस में संपर्क में होते। मर्सिडीज की बात करें, मैं जानता हूं ना उसका नाम, मैं जानता हूं है ना, देखता हूं सोचता हूं यार काश मैं सरकारी नौकर नहीं होता तो ये खरीद लेता, सरकारी नौकर के बस की बात हो नहीं, तो मैं जानता हूं उस चीज को, मतलब मैं उस मार्केट का हिस्सा हूं, भले ना तो हमारे शहर में बिक रही है वो, ना हमारे खरीदने की हैसियत है, फिर भी मैं जानता हूं, मैं सोच रहा हूं, मतलब मैं उस मार्केट का हिस्सा हूं। चाहे विक्रेता जो बेचने वाला है वो भी सोच रहा है, टीवी के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, जो भी दे रहा है, हम लोगों तक खबर उसकी पहुंच रही है, हम तक खबर पहुंच रही है, मतलब वो भी उस एरिया तक पहुंचा हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हम उसे खरीदे या बेचे, लेकिन हम उस चीज को जान रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मतलब वो हम उस चीज का
मार्केट के हिस्से में है, मतलब उस बिंदु को नहीं बोलते हैं जैसे सब्जी वगैरह जहाँ दुकान लग रही है वो बाजार नहीं, वो बाजार नहीं है, उस संपूर्ण एरिया होता है जहाँ उस चीज के क्रेता विक्रेता को जानकारी होती है, वो मार्केट कहलाता है। अब जैसे आधुनिक जो सोशल मीडिया वगैरह आ गया है या फिर प्रचार प्रसार में नए नए साधन आ गए, वेबसाइट बना के डाल देते हैं कि ये हमारी चीज है, इसे कोई खरीदना चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देकर, तो वो क्या है, वो सारी चीजें मार्केट के अंतर्गत आ गई। पहले वो एक जमाना था, वह एक निश्चित स्थान होता था और वहीं पे वस्तुएं लाके बेचते थे, खरीदना है तो वहां जाओ, बेचना है तो वहां जाओ, तो वो अलग चीज है, वो अर्थशास्त्री का बाजार नहीं, अर्थशास्त्री का बाजार मैंने बता दिया। बाजार का आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता आपस में संपर्क में होते हैं। क्लियर हो गया? गांव में तो मोटरसाइकिल बिकती नहीं है, बैतूल से ही जाती है, लेकिन मिलती तो है ना वहां पे, तो वो गांव जो सबसे दूर है यहाँ से 150 किलोमीटर, वहां पर भी उस वस्तु का बाजार है। बात आ गई सर? तो अंग्रेजों को क्या चाहिए था यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मार्केट चाहिए था बेचने के लिए। अब कच्चा माल, वहां कपड़े कपास का उत्पादन हो नहीं रहा, बस उनके पास क्या है, मशीन है, मशीन, ठीक, तो वो यहां से कपास भी लेके जाते थे। अब बना लिया तो बेचेंगे किसको, पब्लिक कहाँ ज्यादा है, भारत, भारत में बेचो। अब चाहते तो भारत में कारखाना खोल लेते हैं, तो फिर उनको क्या फायदा होता, कुछ नहीं। तो इसलिए उनके समय में भारत में औद्योगिक विकास नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे परंपरागत उद्योग जो पहले से चल रहे थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए। जैसे बनारसी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी, ये ऐसी जो चीजें थी, बुनकर, घर घर बुनकर होते थे पहले। मैंने अभी एक दिन किताब देखी थी, 1837 का बैतूल किताब है ये, तो उसमें लगभग 400 जो है वो बुनकरों के कारखाने बैतूल जिले में थे, 400 बैतूल के आसपास 1947 के लगभग तक थे। अब नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि उद्योगों से बनी बनाई चमचमाती वस्तुएं जब आती है तो हाथ से बनी हुई वस्तुएं क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा आज से 10 साल पहले स्वेटर घरों में ही बनते थे, मेरे पास रखे हुए 2-4 स्वेटर वो बनाए वाले, लेकिन आप पहन नहीं सकते, ऐसा लगता बड़ा अजीब सा दिखूंगा, कोई क्या बोलेगा करके, ऐसा हो जाता है। तो उस समय भी यही होता था अंग्रेजों के समय में, ब्रिटेन से मशीनों से बनी हुई वस्तुएं जब भारत में आती थी तो हमारे यहाँ के जो कारीगर थे जो हाथ से बनाते थे उनसे कोई खरीदता ही नहीं था, ये बेरोजगार हो गए। अब बेरोजगार हो गए तो इन्होंने भी क्या किया, मजदूरी करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के हाथ की मजदूरी करते थे, और धीरे धीरे भारत का औद्योगिक पतन हो गया। जो छोटे छोटे उद्योग थे जिसके ऊपर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उन उद्योगों का क्या हो गया, पतन हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो फिर सोचा गया कि नहीं यार, उद्योगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो भाई उद्योगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए तो कुछ छूट देना पड़ेगा, कुछ नियम कानून बनाना पड़ेगा ताकि सिस्टमैटिक तरीके से उद्योगों का विकास हो। तो इसके लिए क्या हुई, फिर औद्योगिक नीतियां, औद्योगिक नीतियां। तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे पहली औद्योगिक नीति बनी 1948 फिर 1956 1977 1980 और 1991 अभी तक जो भी पढ़ा हमने वो सिर्फ समझ के लिए था, और अब जो पढ़ रहे हैं वो रटने के लिए, रटने के लिए। लेकिन जो अभी तक मैंने पढ़ा, भले ही आपकी कॉपी में 4 लाइन ना लिखी हो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन जब भी बनेगा आपको उत्तर उसी में से मिलेगा, उसी में से मिलेगा। तो पहली औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक नीति ये 1948
6 अप्रैल 1948 6 अप्रैल 1948 बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया। परंपरागत जीके ट्रेडिशनल जीके जो होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है 6 अप्रैल 1948। तात्कालिक उद्योग वाणिज्य मंत्री जो अंतरिम सरकार में थे, क्या नाम था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा प्रस्तावित, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था तो सबको पता है, अर्थव्यवस्था के तीन रूप इस आधार पर, विकास मॉडल के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन रूप होते हैं, है नीलू जी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित, है ना। पूंजीवादी मतलब जहां पर सब कुछ एक व्यक्ति का है, उसका उपयोग वो अपने लाभ के लिए करता है। समाजवादी में क्या है, सब कुछ सरकार का है, चाहे जमीन हो, वन हो, जल हो, नल हो, सब कुछ किसका है, सरकार का है, और वो लोगों के अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए उसका उपयोग करता है। क्लियर हो गया ना। पूंजीवाद में सब कुछ व्यक्तियों का, चाहे जंगल है तो भी किसी व्यक्ति के, खेत है तो व्यक्ति का, और उस खेत में सोना निकल जाए तो वो भी उस व्यक्ति का होगा। लेकिन समाजवाद में क्या है, सब कुछ सरकार का। अब भारत जैसे कई देश जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, शांति समझौते हुए यूएनओ बना, तो सीधी सी बात होती है कि भाई ये उपनिवेशवाद को खत्म किया जाए, सारे देशों को आजाद कर दिया जाए। तो जितने भी देश नए नए आजाद होते गए तो उन लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। भाई नहीं, जमीन तो एक व्यक्ति की होगी लेकिन जमीन के अंदर जो सोना निकलेगा वो सरकार का होगा, आ गया ना यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। कुछ व्यक्ति का है और कुछ सरकार का है, दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत जब आजाद हुआ तब मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की गई। ये बात अलग है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो समाजवादी थे, वो समाजवाद की बात करते थे, व्यक्तिगत रूप से उनके जो विचार थे पूर्ण रूप से समाजवादी थे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में था। उद्योगों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया। ये क्वेश्चन भी बनता है, उद्योगों की श्रेणियां कितनी थी, 4 श्रेणियां थी। पहले नंबर पे प्रथम वर्ग में सैन्य व राष्ट्रीय महत्व के उद्योग, जिन पर सरकार का एकाधिकार, जैसे रेल, परिवहन, रेल और परिवहन अलग अलग नहीं, रेल परिवहन, बस की बात नहीं कर रहे इसमें, सिर्फ रेल, परमाणु ऊर्जा, डाकघर, ये कौन से क्षेत्र में रखा गया, प्रथम वर्ग में, और इस पर किसका एकाधिकार, सरकार, सरकार ही लगाएगी, सरकार की ही इसका संचालन करेगी। फिर द्वितीय वर्ग ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना निजी क्षेत्र में की जा सकती है, लेकिन सरकार
कभी भी इन्हें अपने नियंत्रण में ले सकती है। जैसे कोयला उद्योग, 6 उद्योग थे इसमें, कोयला उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, दूर संचार। क्लियर हो गया? ये 6 उद्योग मतलब सरकारी क्षेत्र में तो स्थापित कर सकते हैं इनको, लेकिन निजी क्षेत्र में भी इसको स्थापित कर सकते हैं, और सरकार कभी भी इसका राष्ट्रीयकरण कर सकती है। भैया अभी तो हम आपको छूट दे रहे हैं कि आप इसमें उद्योग लगा लो, लेकिन जब चाहे तब सरकार इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकती। क्लियर हो गया? ये द्वितीय वर्ग में कितने उद्योग? 6 उद्योग। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 1948 की औद्योगिक नीति में द्वितीय वर्ग में कितने उद्योग थे, या कोयला उद्योग किस श्रेणी का उद्योग था? तो कोयला उद्योग मतलब खनिज वाला, तो किस श्रेणी का? द्वितीय इसका उद्योग था। अब लिखेंगे तृतीय वर्ग 18 उद्योग निजी व सरकारी दोनों क्षेत्रों की उपभोक्ताओं के दैनिक वस्तुओं के उद्योग शामिल होते हैं। जैसे वस्त्र उद्योग, शक्कर उद्योग, कागज उद्योग। देखो प्रथम द्वितीय श्रेणी में जो उद्योग है सेम वैसे ही इनको दोनों क्षेत्रों में स्थापित किया जा सकता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? द्वितीय श्रेणी के वो उद्योग थे जिनको हमेशा राष्ट्रीयकरण का डर बना रहता था। इस श्रेणी में यदि निजी क्षेत्र में स्थापित किया है तो निजी रहेगा, उसका राष्ट्रीयकरण का डर नहीं है, सरकार उस पर अधिकार नहीं करेगी। ये तृतीय क्षेत्र। क्लियर हो गया एकदम? कितने उद्योग रखे थे? 18 उद्योग रखे। अब चतुर्थ वर्ग शेष सभी उद्योग। अभी ये जो सूची में छूट गए हैं, पहले इसमें 3 पढ़ा अपन ने, रेल परिवहन, परमाणु ऊर्जा, डाकघर। दूसरी सूची में कितने पड़े? 6। तीसरे में कितने पड़े? 18। और इसके बाद में जो भी छूट जाता है वो काय में? चतुर्थ वर्ग में आएगा। वो किसके लिए छोड़ा है? निजी क्षेत्र के लिए। सभी उद्योग निजी क्षेत्र के लिए। क्लियर होगी? पहली औद्योगिक नीति 1948, कितना अप्रैल? 6 अप्रैल 1948। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वरूप, उद्योगों को 4 श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी के उद्योग सिर्फ सरकार का एकाधिकार, द्वितीय श्रेणी के उद्योग 6 उद्योग, ये सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र दोनों में स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन कभी भी इसका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तृतीय श्रेणी में 18 उद्योग, निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र दोनों में स्थापित किए जा सकते हैं, राष्ट्रीयकरण का कोई डर नहीं। और चतुर्थ श्रेणी में शेष सभी उद्योग जो निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए।
अब दूसरी औद्योगिक नीति, दूसरी औद्योगिक नीति, यह ऐसी नीति थी जैसे अभी नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा होती है ना, उस समय इसके भी ऊपर होती थी, क्यों? नई औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति, जो चीज सामने आती है वो नई होती है, कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो फिर उसकी कदर नहीं होती, क्यों भैया मतलब? तो दूसरी औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956, इसमें उद्योगों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अब अनुसूची वाला कॉन्सेप्ट आया, पहले में वर्ग वाला कॉन्सेप्ट था और दूसरे में अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची 17 उद्योगों को शामिल किया गया, सभी उद्योगों के विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की। वैसे छोटी छोटी इसमें समझने लायक कुछ नहीं, मैंने पहले बताया, रटने वाली चीज है, समझाने वाला पहले बता दिया मैंने, इसको रटना है। तो द्वितीय अनुसूची, द्वितीय औद्योगिक नीति 30 अप्रैल 1956, उद्योगों को कितने श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में, तीन अनुसूचियों में विभाजित किया गया। प्रथम अनुसूची इसमें कितने उद्योग, 17 उद्योग, और पूरी जिम्मेदारी किसकी, सरकार की, सरकार की। इन उद्योगों पर संपूर्ण एकाधिकार व नियंत्रण सरकार का होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाएंगे, जिसमें भारी व पूंजीगत उद्योग शामिल थे, भारी व पूंजीगत उद्योग शामिल थे। भारी व पूंजीगत जैसे लोह इस्पात उद्योग, अब इस नीति के तहत 1956 की औद्योगिक नीति के तहत फिर तीन बड़े लोह इस्पात उद्योग भारत में लगाए थे, है ना, एक दुर्ग भिलाई में, है ना, राउरकेला और पश्चिम बंगाल के बोकारो का चौथी पंचवर्षीय योजना में लगा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रानीपुर, पश्चिम बंगाल में रानीपुर है, नहीं उसमें नहीं जाना। ये है पहला, तो ये दुर्ग भिलाई वाला छत्तीसगढ़, दूसरा राउरकेला, एक और पढ़ेंगे इसे। द्वितीय अनुसूची बी श्रेणी दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल दुर्गा, ठीक है, ये तीन उद्योग, फिर बोकारो चौथी पंचवर्षीय योजना में लगा था दुर्गापुर। द्वितीय अनुसूची 12 उद्योग शामिल, जिनकी स्थापना निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में की जाती थी, तथा धीरे धीरे ये उद्योग सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे, मतलब सार्वजनिक उद्योग हो जाएंगे।
सार्वजनिक उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र जिसमें सरकार की हिस्सेदारी 51% से ज्यादा है, वो सार्वजनिक कहलाते हैं। अब तृतीय श्रेणी, सी श्रेणी जिसे कहेंगे, तृतीय अनुसूची सी श्रेणी से सभी उद्योग, शेष सभी उद्योग परंतु लाइसेंस लेना जरूरी किया गया, लाइसेंस लेना जरूरी किया गया, परमिट राज की स्थापना हुई इसमें। अब इसमें वो ये वर्ग जो परमिट देने वाला, चाहे उस विभाग का मंत्री हो या उस कार्यालय का सर्व सर्व अधिकारी हो, अब वो परमिट के लिए क्या भ्रष्टाचार, ये सारी बातें उजागर हुई यहाँ से। और कौन से उद्योग थे इस श्रेणी में, उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग क्या होते हैं, देखो पहले इसमें तो भारी और पूंजीगत उद्योग आ गए, तो मतलब पूंजीगत उद्योग, पूंजीगत उद्योग। और दूसरा क्या बताया मैंने, उपभोक्ता उद्योग। क्या अंतर है इसमें विजय जी, पूंजीगत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग? बड़े किस्मत वाले को धूप आपके पास में आती है, मुझे एक खिड़की इधर भी छोड़ देना तो मेरे पास भी आती है। हाँ। नहीं पता, क्या बता रहे हैं, पूंजीगत या उपभोक्ता? उपभोक्ता उद्योग। मेरे ख्याल से कि लाइसेंस लेना जरूरी, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है उद्योग के लिए। तुम्हारी गाड़ी यार पटरी पे चढ़ के घूम रही है, नीचे ही नीचे घूम रही है, पटरी के नीचे उतर गई तो ऊपर चढ़ नहीं रही है, मतलब एकदम वहां तक पहुंचने को पूंजीगत उद्योग। पूंजी यानी क्या बताया, मशीन, जहां पर मशीनें बनती हैं और उन मशीनों का दूसरे उद्योग में काम हो रहा है, तो वो कौन से है, पूंजीगत उद्योग। और उपभोक्ता उद्योग मतलब इन उद्योगों में ऐसी वस्तुएं बन रही है जो उपभोक्ताओं के डेली यूज की वस्तुएं हैं, उनका उपयोग किसी कारखाने में नहीं किया जाए। जैसे शक्कर उद्योग, ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। वस्त्र उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। स्लेट पेंसिल उद्योग, कागज उद्योग, ये क्या है, उपभोक्ता उद्योग है। ऐसी वस्तुएं बन रही है जिसे डायरेक्ट हम उपयोग करते हैं, क्लियर। और पूंजीगत उद्योग मतलब उसमें ऐसी वस्तुएं बन रही है जो किसी व्यक्ति के काम की नहीं है, जो किसी दूसरे उद्योग में ही काम है। जैसे सीमेंट उद्योग, ये कभी हम इसको उपभोक्ता उद्योग में भी रख सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन में काम आ रहा है इसलिए वो पूंजीगत उद्योग। बड़ा उद्योग है ना, भारी, वो हर कोई आदमी लगा सकता है कि सीमेंट उद्योग नहीं, तो भारी हम पूंजीगत उद्योग। लो इस्पात उद्योग पूंजीगत उद्योग कहा जाएगा, क्लियर हो गया एकदम। तो प्रथम श्रेणी में ऊपर वाले उद्योग रखे गए थे पूंजीगत उद्योग, भारी उद्योग, और तृतीय श्रेणी में सारे उपभोक्ता उद्योग, कि तुम ही उसका उद्योग लगाओ, तुम ही खरीदो बेचो और पैसे कमाते रहो, ये वाली बात थी इसमें, क्लियर हो गया। हमने दूसरी औद्योगिक नीति पढ़ी 30 अप्रैल 1956, उद्योगों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। अब औद्योगिक नीति 1969, ये जबकि ये औद्योगिक नीति 1956 की थी ना, इसी में सुधार किया गया। औद्योगिक नीति 1969 क्या था, एमआरटीपी, एम आर
टी टी एक्ट, एम आर टी पी एक्ट, एकाधिकार मोनोपोली तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम। एकाधिकार तथा प्रतिबंधित व्यापार अधिनियम, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये कोई, मैंने बताया ना, नई या पुरानी औद्योगिक नीति नहीं है, ये इसी में एक सुधार है। अब क्या एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार मोनोपोली किसी वस्तु की उत्पादन पर एक व्यक्ति का ही अधिकार होना, एक ही व्यक्ति का अधिकार होना। आप कुछ सुधार करेंगे? मोनोपोली बोलते रहते ना बार बार, मोनोपोली नहीं चलेगी बोलते, तुम्हारे तुम्हारे मोनोपोली नहीं चलेगी, ये बोलते रहते हैं। तो एकाधिकार का मतलब किसी वस्तु के उत्पादन एवं विक्रय पर सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही विक्रेता, एक ही इकाई का अधिकार होना, एक ही। जैसे बाजार में यहाँ बैतूल जितना बड़ा शहर है और यहाँ पर कपड़े की सिर्फ एक ही दुकान, हमारे पास दूसरे कोई ऑप्शन नहीं है, तो जितने में देगा उतने में हमको खरीदना पड़ेगा, जो देगा वही खरीदना पड़ेगा। बोलते हैं कि ये 10 है, 10 में से जो पसंद आए ले जाओ, नहीं तो छोड़ो। अब हमें वो 10 में से ले पसंद करना ही पड़ेगा। ये क्या कहलाती है? मोनोपोली। अब जब 1956 में ये दिया कि निजी क्षेत्र में वो उद्योग स्थापित कर सकते हैं, तो सरकार को लगा कि कहीं मोनोपोली स्थापित ना हो जाए, ज़्यादा यदि कहीं इनकम हो रही है तो अब उसको क्या किया जाए, इस एक्ट के अंतर्गत लाया जाए। तो लिखेंगे MRTP एक्ट, कंपनियों की 1969 बताया मैंने ही, MRTP एक्ट कंपनियों की उद्देश्य लिख रहे हैं, MRTP एक्ट का कंपनियों की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना, एकाधिकार व एकाधिकार व उद्योगों के केंद्रीयकरण को रोकना उद्योगों के केंद्रीयकरण को रोकना। क्लियर? भी एक ही व्यक्ति के पूरे उद्योग ना हो जाए। अब इसके लिए क्या किया, बार बार परिवर्तन किया था। जब शुरुआत में 1969 में MRTP एक्ट आया तो बोला कि 25 करोड़, फिर उसके बाद में बोला कि अब तो ये 25 करोड़ तो हर किसी के पास हो रहा है, तो फिर 50 करोड़, तो ऐसी शर्तें बढ़ाते चले। तो नंबर एक पे लिखेंगे 25 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाले, उससे अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को विस्तार के लिए भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक कर दिया। ये कब किया गया? 1969 MRTP एक्ट के तहत। चाहे वो तृतीय श्रेणी में क्यों ना हो, तृतीय अनुसूची में क्यों ना हो, उपभोक्ता उद्योग क्यों ना हो। क्लियर हो गया? लेकिन अब महंगाई के साथ में ऐसे ढेर सारी कंपनियां हो गई, ये विरोध भी करते थे। तो 1980 की औद्योगिक नीति में ये सीमा कितनी कर दी? 50 करोड़। 25 करोड़ वाले को अब अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, अब कितने? 50 करोड़ या उससे अधिक। 1985 में कितना कर दिया? 100 करोड़।
1991 में कितना कर दिया? समाप्त कर दिया। एमआरडीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया। एमआरडीपी एक्ट को समाप्त कर दिया गया। और क्या लेके आया उसकी जगह? सीसीआई। सीसीआई उसकी जगह कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया। सीसीआई। क्लियर हो गया ये? एमआरटीपी एक्ट कब लागू किया गया था? 1969 में। कब समाप्त किया गया? 1991 में। क्यों लाया गया था? एकाधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। क्लियर। अब हम बात करते हैं औद्योगिक नीति 1973। औद्योगिक नीति 1973, यहां दो शब्द हमें समझना पड़ेगा, फेरा और फेमा। फेरा और फेमा। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, और फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेटिंग मतलब नियंत्रित करना, विदेशों से जितनी भी पूंजी का या मुद्रा का आदान प्रदान हो रहा है उसको नियंत्रित करना, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, और इसमें क्या यदि कमा लिया तो उसको मैनेज कैसे करना है, कहाँ कैसे निवेश करना है। ठीक। तो एक जहाँ कठिन है, दूसरा क्या कर दिया, सरल है। ये उसको रोक रहा है कि ऐसा मत करो, और इसमें बोल रहा है कि आप और बेहतर तरीके से ऐसा कर सकते हैं, तो उसमें छूट दी जा रही है। क्लियर हो गया। ये बंद अर्थव्यवस्था के स्वरूप में था और ये ओपन इकोनॉमी के स्वरूप में। तो फीमा फेरा कब लागू किया गया? 1973 में। फेमा कब लागू किया गया? 1991। ठीक। अभी पढ़ेंगे अपन डिटेल में। 1973 में मूलभूत उद्योग की विचारधारा को अपनाया। मूलभूत उद्योग, मूलभूत उद्योग अर्थात कोर सेक्टर, कोर सेक्टर जिसे कहते हैं, आधारभूत उद्योग जिसे कहते हैं। जैसे सार्वजनिक उद्योग, इसकी अवधारणा कब लेके आए थे? 1956 में। सार्वजनिक, देखो सार्वजनिक क्षेत्र ये शब्द कब लाए? 1956 में। एमआरटीपी 1969। फेरा फेमा और कोर सेक्टर या मूलभूत उद्योग जिसे हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, ये कब, ये अवधारणा कब लेके आए थे? 1973 में। कोर सेक्टर, कोर सेक्टर या आधारभूत उद्योग, ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, ऐसा उद्योग इतना महत्वपूर्ण है कि बाकी सारे उद्योग उस उद्योग के ऊपर ही निर्भर करते हैं। जैसे कोयला उद्योग उस समय था, लोह इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है, कोयला उद्योग को वैसे जननी उद्योग कहते हैं। ये उद्योग जो अन्य उद्योगों के, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूलभूत रूप से जरूरी होते हैं, जैसे कोयला उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोह इस्पात उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग। अभी तक दो क्षेत्र पढ़े अपन ने, एक सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ा और दूसरा कौन सा, निजी क्षेत्र। अब यहाँ पर एक नया क्षेत्र भी आएगा सामने, और नए लाइन में लिखना। इस औद्योगिक नीति में, इस औद्योगिक नीति में संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई,
संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई। अब संयुक्त क्षेत्र क्या होता है, जैसे हमने ये पढ़ लिया, सार्वजनिक क्षेत्र अभी बता दिया मैंने, सरकार की हिस्सेदारी है ना, सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र, और दूसरा पढ़ लिया हमने निजी क्षेत्र। अब इसके बीच में एक आया संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, और एक आ गया सहकारी, अभी नहीं आया सहकारी, इसे पढ़ेंगे, लेकिन एक होता है सहकारी क्षेत्र। सहकारी बोलो मैंने, सरकारी नहीं है ना, नहीं तो सरकारी समझोगे, सरकारी तो लिखा है मैंने, किसी को दिख रहा होगा तो कहा लिखा है इंग्लिश, तो सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र। आज आपका एकदम निशाना एकदम सटीक चल रहा है ना, डाल डाल पांच पांच वाली स्थिति है, अभी इधर फेल हो रहे हैं आज। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र, ठीक है। अब संयुक्त क्षेत्र मतलब कुछ हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को भी देते, मिल के काम करना, वो संयुक्त क्षेत्र। 80% सरकार का है तो 20% निजी क्षेत्र को दे देना, मिल के वो संयुक्त क्षेत्र, ठीक। और सहकारी क्षेत्र क्या है, इसमें दो तरीके का ढांचा है, ये पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र है। सहकारी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, लेकिन नियमावली उद्देश्य कॉन्सेप्ट किसका है, सरकार का है, वो सरकार का सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उद्देश्य है, लेकिन काम कौन कर रहा है वहां पे, निजी क्षेत्र, वो नियमों के अधीन, तो इसलिए उसे क्या बोलते हैं, सहकारी, मिलजुल कर काम करना। और इसमें क्या है, एक व्यक्ति नहीं होता, निजी मतलब एक व्यक्ति नहीं, इसमें एक समूह होती है, कोई समिति बन जाती है, वो मिलकर काम करती है, तो वो सहकारी क्षेत्र हो गया। क्लियर हो गया ना, चार क्षेत्र ये। तो ये जो संयुक्त क्षेत्र का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कब आया, 1973 की औद्योगिक नीति में। और क्या लाया यहाँ पे, फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973। फेमा अभी नहीं आया, फेमा मैंने यहाँ इसके साथ में बता दिया, फेमा कब आएगा, 1991। अब लिखेंगे औद्योगिक नीति 1977। तेईस दिसंबर 1977 को जनता सरकार ने पहली बार सत्ता परिवर्तन, जनता दल की सरकार बनी, जनता सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के संबंध में 1956 की नीति पर विशेष बल दिया गया, लघु एवं कुटीर उद्योगों को नए ढंग से परिभाषित किया गया, डीआईसी क्या होता है, डीआईसी इनको पता होगा, विजय डीआईसी जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र। हमारे सर जो है श्री दिनेश चंपेवार जी, पहले यहाँ कोचिंग थी उनकी, वो है अभी डीआईसी प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिला उद्योग केंद्र।
की अवधारणा सामने आई कि हर जिले में एक DIC हो, जो उस जिले में कोई उद्योग वगैरह स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए वो व्यवस्था कर, क्लियर हो गया DIC। अब लघु व कुटीर उद्योगों में कुछ अंतर है क्या नीलू जी? लघु व कुटीर उद्योग है ना पक्को में? तब तो अलग अलग बोला, लघु एवं कुटीर उद्योग पर क्या है ये नहीं पता है। कौन बताएगा इसको? आप तो हमारे इधर दिल को ही नहीं लगे, इधर निशाने पे भी लगे नहीं रहते हैं। हाँ पवन जी, सर कुटीर उद्योग तो है जिसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता। मशीनों का उपयोग नहीं किया, लघु उद्योग मतलब जहाँ छोटी मशीनों का उपयोग किया जाता है उसकी सीमा है कुछ इतने करोड़ सरकार ने बार बार घटाई बढ़ाई है। लेकिन कुटीर उद्योग क्या होता है जिसमें बाहरी मजदूरों का भी उपयोग नहीं किया जाता, घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा जो उनके पास में उपलब्ध साधन है उसी के आधार पर छोटे मोटे उद्योग चलाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं कुटीर उद्योग। जैसे झाड़ू बनाना, टोकरी बनाना, खेत में गए चीन का पेड़ देखा उसके वो डालियां काटी और घर लाए और उसके झाड़ू बना के बेचने चले गए, ना कोई मशीन की जरूरत पड़ी ना कुछ, ना कुछ ना बाहरी मजदूर की, ये कुटीर उद्योग। जैसे पापड़ बनाना है घर में और बेचने चले गए, खेत में गेहूँ बोया गेहूँ काटा काट के लाए फिर उससे पापड़ बनाए बेचने चले गए, बाहर से कोई मशीन नहीं कोई कुछ नहीं। बिजली से चलने वाले मशीनों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, बाहर के मजदूरों का इसमें उपयोग नहीं किया जाता, ऐसे उद्योगों को क्या कहते हैं कुटीर उद्योग। तो ये लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो कॉन्सेप्ट आया किस नीति में आया? औद्योगिक नीति 1977 में। छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं समझ में नहीं आता है। अब लिखेंगे औद्योगिक नीति 1980 लास्ट अवधारणा पढ़ेंगे आज की 1980 औद्योगिक नीति 1980। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, विस्तार तथा पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था, इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक संघवाद, आर्थिक संघवाद जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे जिले में जिन्हें पिछड़ा चिन्हित किया गया है या पिछड़ा चिन्हित किया जाए, इसे समझाऊंगा अभी मैं, पहले लिख लो पिछड़ा चिन्हित किया जाए वहां अधिक से अधिक कुटीर उद्योगों की स्थापना की जाए। कुछ योजनाएं अलग से लागू की जाए, कुछ योजनाएं अलग से लागू की जाए। इसमें क्या था, जिलों को कुछ श्रेणियां दी गई है, जैसे मध्य प्रदेश में भी अपन पढ़ेंगे औद्योगिक दृष्टिकोण से विकास तो उसमें देखेंगे ए श्रेणी बी श्रेणी और सी श्रेणी। तो ए श्रेणी में वो उद्योग वो जिले जहां पर बहुत अधिक औद्योगिक विकास हुआ है तो वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जिले हमने औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़े घोषित कर दिए, अब इसमें प्लानिंग थी कि सर्वे किया जाए जिलों का और जिलों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाए कि उद्योगों का विकास हुआ है या नहीं,
तो जिन जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा घोषित कर दिया गया है वहां पे कुछ नई योजनाएं लागू की जाए और नई योजनाओं के माध्यम से कुटीर उद्योगों का अधिक से अधिक वहां पर विकास किया जाए। तो ये आर्थिक संघवाद इसे नाम दिया गया और कब आया ये 1980। आज के लिए इतना ही, कल हम 1986 की औद्योगिक नीति और नई औद्योगिक नीति के नाम से जिसे जाना जाता है जो 1991 में आया था, LPG मॉडल जिसे कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, तो इन सब चीजों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।